नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे टेक्निकल रास्ता। जैसे कि आप जानते हैं, लेनोवो C200 ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी के ऊपर में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और इसमें मैंने अप टू 8 GB तक रैम अपग्रेड किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडोज 10 प्रोफेशनल भी इसमें डाल के रखा है। पीछे का तरफ दिखा देता हूँ, पीछे का तरफ मैं खोल के रखा हूँ। इसमें देखिए, दो स्लॉट में दो रैम लगा हुआ है, दोनों ही DDR3L मतलब लो वोल्टेज कंज्यूम करने वाला रैम है, तो दोनों में DDR3 रैम लगा हुआ है। ये जो लेनोवो C200 ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी है, इसमें आपको दो वर्षन आता है। एक में आता है DDR2 रैम, जिसमें आप DDR2 रैम लगा सकते हैं। ये जो वर्षन है, इसमें आप DDR3 रैम लगा सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसर है वो इनबिल्ट मदरबोर्ड का साथ आता है। ये है आपका इंटेल का एटम ड्यूल कोर प्रोसेसर। तो इस प्रोसेसर को हम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनबिल्ट प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर को निकल के दूसरा प्रोसेसर लगाना नॉर्मल यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मैंने रैम तो मैक्सिमम अपग्रेड कर दिया है। अभी इसमें हार्ड डिस्क के साथ, इसमें हार्ड डिस्क के साथ थोड़ा सा स्लो फील होता है क्योंकि पुराना प्रोसेसर है। तो इसीलिए आज मैं इसमें सैमसंग का A50 Pro 512 GB शाका हार्ड डिस्क लगाऊंगा और लगाने के बाद देखूंगा ये कितना फास्ट हो जाता है। तो एक बार मैं हार्ड डिस्क के साथ ऑन करके दिखाता हूँ ये कितना टाइम लेता है, उसके बाद मैं SSD लगाऊंगा। ये जो सैमसंग का SSD है, ये जो सैमसंग का SSD है, ये आपका 512 GB का है। इसमें एक खास बात क्या है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको इसका पीछे में जो डिस्क है इससे मिल जाएंगे, अदरवाइज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको इसमें। एक है सैमसंग का डेटा माइग्रेशन सॉफ्टवेयर, जिससे मैं इसको क्लोन करूँगा, और दूसरा है आपका सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर, जिससे इस सॉफ्टवेयर के अंदर में एक रैपिड मोड होता है जिसको ऑन करने के बाद ये जो SSD है ये काफ़ी फास्ट डाटा ट्रांसमिशन करता है और रिसीव भी करता है। ये सॉफ्टवेयर तभी काम करेंगे जब आपका PC में सैमसंग का SSD लगा रहेंगे, तभी ये सॉफ्टवेयर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ ये कितना टाइम लेता है नॉर्मल हार्ड डिस्क से बूट होने में। इसमें आपका विंडोज 10 प्रोफेशनल है और 8 GB रैम है और प्रोसेसर है आपका इंटेल एटम ड्यूल कोर। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। 1, 2, 3 देखिए, इसमें टाइम लगा है आपका लगभग आपका 35 मिनट, और SSD को लगाने के बाद देखूंगा इसमें और कितना फास्ट होता है। ये जो SSD है इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। ये एक USB कनेक्टर है जो SATA को कनेक्ट करता है, तो इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे करके। ये SSD मैंने कनेक्ट कर दिया है। SSD को दो केबल आता है, एक ही केबल लगाने से हो जाएगा। तो दोस्तों, सैमसंग SSD जो है वो मैं USB एडाप्टर के साथ कनेक्ट करके मैं इस PC में कनेक्ट कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका जो SSD है जो इसमें आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें अगर आपका SSD में कुछ इंस्टॉल किया है या तो उसको एक बार यूज़ किया है, तो आपको उसको फॉर्मेट कर लेना है। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको और एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम है आपका मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। ये आपका मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, इसको ऑन कर देते हैं पहले। तो इसको यस करना है, यहाँ पे ये ऑन हो रहा है। ये DX2 जो है ये मेरा SSD ड्राइव है। ये जो DX2 है ये SSD ड्राइव है। सबसे पहले आप ये पार्टीशन रिकवरी वाइप कन्वर्ट, सबसे पहले मुझे अभी यहाँ पे जाना है इस लोकेशन में क्लिक करके, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको चूज करना है क्रिएट। तो मैंने क्रिएट कर दिया। अभी देखिए, ये जो ड्राइव है ये यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। ये बोल रहा है पार्टीशन लेवल का कुछ नाम देने के लिए, तो नाम वगैरह मैं दूंगा नहीं, जो भी सिस्टम लेगा वही देने देगा। तो ओके कर देता हूँ। तो ये जो टास्क है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अप्लाई करने के साथ साथ ये काम करना शुरू कर देगा। जो पेंडिंग टास्क है उसको करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो इसको यस करना पड़ेगा। तो यस कर देता हूँ। अभी देखिए, ये पार्टीशन हो रहा है। तो मैंने सिंगल पार्टीशन में दिखाया,
चलिए अभी ये देखिए कि डिलीट ऑल पार्टीशन, ये देखिए डिलीट ऑल पार्टीशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे डिलीट करने से फिर अप्लाई आएगा, उसके बाद पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देगा सॉफ्टवेयर। अभी मुझे जाना है डेटा माइग्रेशन में, तो डेटा माइग्रेशन में जाके मुझे यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी फाइल वगैरह डी ड्राइव में सी ड्राइव में जो भी है उसको क्लोन करना है। डेटा माइग्रेशन सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं, राइट क्लिक करके यस। अभी ये जो डेटा माइग्रेशन सॉफ्टवेयर है ये रन हो चुका है, और ये जो डेटा माइग्रेशन सॉफ्टवेयर है ये मैं इस पीसी के लिए पुराने वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया हूँ, जो इसका वर्शन है आपका 2.7। ये आपका इस सीडी में मिलता है डिस्क का साथ ही। अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो मुझे न्यू वर्शन मिलेगा। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने पे यहाँ पे देखिए नंबर वन में सोर्स डिस्क दिखा रहा है। सोर्स डिस्क जो है वो है आपका हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है सोर्स डिस्क ये GST हार्ड ड्राइव है, और टारगेट ड्राइव लिखा हुआ है सैमसंग SSD 850 Pro 500G USB डिवाइस। चलो क्योंकि मैं USB के साथ कनेक्ट किया हूँ इसीलिए USB डिवाइस शो कर रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ, वार्निंग दे रहा है क्लोनिंग के लिए, ओके कर देता हूँ। तो ये एनालाइज कर रहा है सोर्स डिस्क को। नया जो सैमसंग का डेटा माइग्रेशन सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, आप पुराना वाला चूज कीजिए और पुराना वाला से करने में भी अच्छा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर डिसकनेक्ट द डिस्क व्हाइल क्लोनिंग इज इन प्रोग्रेस। तो क्लोनिंग स्टार्ट हो चुका है, तो क्लोनिंग होने के बाद देखेंगे कि ये SSD का साथ। उसका जस्ट फिनिश ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए ये फिनिश हो चुका है, यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन आ चुका है, अभी इसको पॉइंट कर दीजिए, पॉइंट कर दिया, एग्जिट यस। अभी इसको शटडाउन कर देता हूँ और इसका हार्ड ड्राइव को डिसकनेक्ट करके SSD को कनेक्ट कर दूंगा। चलिए ये शटडाउन हो चुका है, अभी इसका SSD को खोल देते हैं। अभी इसका पीछे से पहले इसका जो पावर कनेक्शन है इसको खोल दीजिए। अभी ये देखिए ये जो कनेक्टर है मैंने हार्ड डिस्क से खोल दिया है। अभी इसको अभी इसमें मैं SSD लगाऊंगा। ये मैंने SSD लगा दिया जो बाहर की तरफ लटक रहा है। चलिए SSD मैंने लगा दिया है 1, 2, 3। अगर आपका डेस्कटॉप SSD को नहीं पकड़ पाता है तो आपको पहले BIOS में जाके रीसेट करना पड़ेगा BIOS को, कि SSD उसमें आया कि नहीं, या तो फास्ट बूट SSD देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ड्राइव है SSD लगा के रखा हूँ इसीलिए ये पकड़ लिया है। कभी कभार नहीं भी पकड़ सकता है, तो आपको BIOS में जाके एक बार रीसेट करना है और फास्ट बूट देना है आपको SSD। तो ये 31 सेकंड में ऑन हो चुका है, क्योंकि ये फास्ट टाइम SSD से ऑन हुआ है इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो कितना फास्ट में ऑन होता है वो देखना ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आप अगर SSD इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप SSD को इंस्टॉल करने का बाद इसका जो BIOS है BIOS में जाके एडवांस होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस को मतलब EHCI को एनेबल करके फिर ऑन कीजिए। उसका बाद इसको फ्रेश इंस्टॉलेशन कीजिए पेन ड्राइव या CD ड्राइव से, तभी आपको क्या होगा इसमें जो SSD है उसका काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल जाएंगे। अभी ये जो PC है इसमें आप सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने इसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।